Hello students. सिग्नल एंड ट्रांसमिशन डेटा कम्युनिकेशन के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सिग्नल क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, क्या क्या सिग्नल के फॉर्मेट्स हैं, जिस पर थोड़ा इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सिग्नल्स है क्या। आपने जब रोड पर चलते हैं बहुत समय रोड पर सिग्नल आपने देखे होंगे, जैसे कहीं पे स्टॉप का सिग्नल है, नो लेफ्ट टर्न का सिग्नल है, नो राइट टर्न का सिग्नल है, स्पीड लिमिट का सिग्नल है, नो यू टर्न का सिग्नल है। एक्चुअली ये जो सिग्नल्स हैं एक मैसेज हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है, या एक मैसेजिंग की जाती है सिग्नल के माध्यम से। सिग्नल का प्रयोग ह्यूमन बीइंग बहुत पहले से करते आ रहा है। जब तक लैंग्वेज नहीं थी उससे पहले वो लोग अपने कोई स्पेशल साइन उन्होंने डेवलप किए थे, जिससे के माध्यम से एक ग्रुप इंडिविजुअल कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरे ग्रुप या इंडिविजुअल तक ट्रांसफर कर सकता। सिग्नल एक मैसेज है जो सिंबल विजुअल या अन्य रूप में होता है, तथा एक ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को सूचित करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। जैसे पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि कुछ रोड के साइंस हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा जो यूजर्स हैं, व्हीकल यूजर्स हैं, उनके लिए एक मैसेज होता है कि आप कहाँ पर गाड़ी पार कर सकते हो, कहाँ पर पार नहीं कर सकते हो, या स्पीड लिमिट क्या है, कहाँ यू टर्न लेना है, कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है। अगर हम इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में लेके चलें तो सिग्नल का कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर डिवाइसेज में सिग्नल का मतलब है कि जो कंप्यूटर डिवाइसेज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिसे प्रोसेस कर सकता है, जिसे समझ सकता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो साइन वेव्स हैं या डिजिटल वेव्स हैं, साइन वेव को हम जनरली एनालॉग वेव भी कहते हैं, एनालॉग वेव या डिजिटल वेव्स का हम प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया डिवाइस के केस में सिग्नल का तात्पर्य एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से है, जिसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो, डेटा एवं टेक्स्ट सूचना को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है। एनालॉग सिग्नल हमने जनरली हम देखते हैं जितनों भी रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, या टीवी टेलीकास्ट होता है, या मोबाइल में जो सिग्नल्स होते हैं वो सभी कम्युनिकेशन एनालॉग फॉर्म में होते हैं, और वहाँ पर जो सिग्नल होता है वह साइन वेव, हम लोग उसे साइन वेव कहते हैं। एक्चुअली एनालॉग सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल एक तरह की निरंतर तरंग है, कंटिन्यूस वेव है, जो समय के साथ बदलते रहता है। एनालॉग सिग्नल एक साइन वेव है। ये एक विजुअल है जिसमें एक एनालॉग सिग्नल मूव कर रहा है,
ये वाई एक्सिस है जिसमें टाइम को डिफाइन किया गया है और ये एक्स सॉरी ये एक्स एक्सिस है जिसमें टाइम को डिफाइन किया गया है और ये वाई एक्सिस है जिसमें वैल्यूज को डिफाइन किया गया है। टाइम एक्स में या एक्स एक्सिस में टाइम सेकंड में हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है या नैनो सेकंड हो सकता है, और वैल्यू एक्सिस या जो वाई एक्सिस है इसमें जो वैल्यू है साइन वेव की ये माइक्रोवोल्ट हो सकती है, मिली वोल्ट हो सकती है या वोल्ट में हो सकती है। दूसरा फॉर्म है सिग्नल का डिजिटल फॉर्म। एक डिजिटल सिग्नल एक असतत लहर है जो डिजिटल सिग्नल को असतत लहर है और डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव में दर्शाया जाता है। एक इसको डिस्क्रीट सिग्नल भी कहते हैं जो पल्स के रूप में या स्क्वायर वेव के फॉर्म में होती है। ये डिजिटल सिग्नल है, इसके दो वैल्यूज होती हैं केवल, जीरो या वन, जबकि एनालॉग सिग्नल में वैल्यू हमेशा समय के साथ चेंज होती है। ये समय के साथ ज्यादा इसकी एक वैल्यू होगी जीरो या वन। जीरो को हम जीरो वोल्ट भी कहते हैं और वन को हम फाइव वोल्ट भी हम लोग इस केस में कहते हैं। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, सभी में डिजिटल सिग्नल प्रोसेस किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है, और कंप्यूटर नेटवर्क में भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेस होता है। ये भी करैक्टरिस्टिक हैं एनालॉग सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल में की करैक्टरिस्टिक में पहला आता है एम्पलीट्यूड। किसी भी एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड एनालॉग सिग्नल की मैक्सिमम हाइट को दर्शाता है। सिग्नल का एम्पलीट्यूड आया या आयाम सिग्नल की ऊंचाई को दर्शाता है या वेव में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिए गए बिंदु से ऊर्ध्वाधर दूरी के बराबर होता है। ये एनालॉग सिग्नल है। एक्स एक्सिस पर टाइम एक्सिस है, एक पर्टिकुलर टाइम में, यहां पर भी हो सकता है कहीं भाई पर्टिकुलर टाइम में इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, जो वर्टिकल हाइट होती है, हम उसको उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसको हम एम्पलीट्यूड को वोल्ट में, मिलीवोल्ट में या माइक्रोवोल्ट में मेजर किया जाता है। सेकंड है पीरियड। पीरियड वह समय है जिसमें सिग्नल एक चक्र पूरा करता है। इसे सेकंड, मिली सेकंड या नैनो सेकंड में मापा जाता है। ये वेव है, इसमें जो दो पीक वैल्यूज हैं यहाँ पे, हम इसको पीरियड भी कहते हैं, या फिर जो यहाँ ये पॉइंट्स है, सिग्नल यहाँ से मूव किया है, यहाँ है, फिर ये मूव किया है और यहाँ पर है, ये नेगेटिव साइकिल्स है, ये पॉजिटिव साइकिल्स है इसकी। तो जो भी जितना भी कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, वेव फॉर्म कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो समय लगाता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इसको सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। एक डिफाइंड टाइम में सिग्नल जितने भी पैटर्न के पूरा करता है हम उसे उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हर्ट्ज़ में मापा जाता है। पैटर्न्स मीन्स सिग्नल यहां से स्टार्ट होता है, जितने साइकिल पूरा करता है, ये एक साइकिल है, एक सेकंड में जितने भी साइकिल पूरा करेगा कोई भी सिग्नल, हम उसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहां पर हाई ज्यादा है, इसे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहेंगे, इसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहेंगे, क्योंकि एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल ये जो ज्यादा कंप्लीट कर रहा है कंपेरेटिव टू दिस सिग्नल, ये एक सेकंड में इस ऊपर वाले सिग्नल से नंबर ऑफ साइकिल के कम होती है, इसे हम कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और इसे हम कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल।
और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हर्ज में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है फेज। किसी भी वेवफॉर्म की फेज वह स्थिति है जिसमें जीरो समय के सापेक्ष मेजर किया जाता है। फेज को डिग्री या रेडियन में मापते हैं। ये एक वेवफॉर्म है, अलग अलग समय में इसका जो पोजीशन है रिलेटिव टू ओरिजिन या जीरो के रिलेटिव टू ओरिजिन समय या जीरो समय के रिलेटिव में जो भी इसकी पोजीशन है हम इसको मेजर करते हैं। इस पोजीशन में इसकी जो फेज शिफ्ट है इसका 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, यहाँ 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, यहाँ पर 270 डिग्री फेज शिफ्ट है और ये 360 डिग्री फेज शिफ्ट है। यहाँ पर दो वेव फॉर्म है और दोनों वेव फॉर्म में इस पोजीशन में 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री और 360 डिग्री इसका फेज शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आती है इसकी स्पेक्ट्रम। आवृत्तियों की सीमा को वेव स्पेक्ट्रम कहते हैं। वेव स्पेक्ट्रम वह है जो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये रेडियो वेव है, ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, लॉन्ग वेव है, रेडियो वेव है और माइक्रोवेव है। रेडियो वेव का जो स्पेक्ट्रम है ये 50 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज तक है और इसमें जो अप टू 50 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज को वीएचएफ कहते हैं और 500 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज को यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कहते हैं। और इनका वेव इनका प्रयोग डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। डेटा कम्युनिकेशन आई मीन सिंपली रेडियो वेव और टीवी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है बैंडविड्थ। वेवफॉर्म का बैंडविड्थ किसी दिए गए बैंड के भीतर आवृत्ति की सीमा है जिसका प्रयोग विशेष रूप से मैसेज ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जो भी फ्रीक्वेंसी बैंड है उस फ्रीक्वेंसी के बैंड का प्रयोग जैसे हम लोग कुछ रेडियो वेव्स है जो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए एक पर्टिकुलर बैंड का यूज करते हैं, टीवी ट्रांसमिशन के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड होता है और इसीलिए इसी प्रकार से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी बैंड का प्रयोग किया जाता है और उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ दैट रेडियो वेव्स। सिग्नल एंड ट्रांसमिशन के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। डिजिटल सिग्नल क्या है, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और इनके बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं और उसमें जो नेक्स्ट है एक डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में असिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है तथा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन क्या है और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या है उसका हम लोग उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीरियल पोर्ट क्या है और पैरेलल पोर्ट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।